नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर आपके अपने YouTube चैनल SH स्टडी पॉइंट में एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। मैं आज बात करने वाला हूँ 18,000 PSC कैंडिडेट जो हैं, 41,520 वाली जो वैकेंसी थी, जो 18,000 PSC कैंडिडेट जो ट्रेनिंग से रह रहे हैं उनकी जो है JTC लिस्ट जो है आ चुकी है। जो JTC अनाउंसमेंट लिस्ट है वो आ गई है। मैंने उस पर वीडियो पहले ही बना दिया है, आप चैनल पर जाकर उसको देख सकते हैं। लेकिन उस वीडियो में कुछ कमेंट आए थे कि इसमें हमारी वाहिनी का नाम दिया नहीं है, तो ऐसा क्यों हुआ है कि हमारी वाहिनी का नाम क्यों नहीं दिया है। ये मैंने यहाँ लिख भी रखा है कि कुछ वाहिनियों के नाम क्यों नहीं दिए गए। इसकी मैं आपको जो है संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बगल में ही जो नोटिफिकेशन बेल है उसे भी दबा लें। मैं आपके साथ जो है जब से आपका मेडिकल हुआ था जब से, और अब आपकी ज्वाइनिंग होने वाली है, JTC लिस्ट आ चुकी है, JTC अनाउंसमेंट लिस्ट, अब तक मैं आपके साथ हूँ। तो इसलिए चैनल को यार सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, अपने भाई को थोड़ा सा सपोर्ट तो कर ही सकते हो। तो चलिए हम टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी JTC लिस्ट पर चलते हैं। चलिए दोस्तों, मैं आ गया हूँ अपनी जो है न्यूज़ पर। ये रही आपकी, आप देख सकते हैं, आरक्षी PSC पद हेतु चयनित अभ्यर्थियों के प्रस्तावित JTC आवंटन का विवरण 13/11/2019 को ये जारी की गई है भर्ती बोर्ड की तरफ से। तो इसमें आपको मैं एक बात बता दूं कि इस लिस्ट में जो है उन वाहिनियों के नाम दिए गए हैं जिनकी प्रशिक्षण क्षमता थोड़ी कम है और उसमें जो है रिक्रूट जो हैं कुछ ज़्यादा हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ द्वितीय सीतापुर, इसमें जो 167 अभ्यर्थियों का जो मेडिकल और चरित्र सत्यापन किया गया था, और इसमें से जो वाहिनी में तो 167 ही रहेंगे, लेकिन जनपद में एक भी कैंडिडेट नहीं जाने का, क्योंकि इसकी जो है प्रशिक्षण क्षमता थोड़ी अधिक है जो कि द्वितीय वाहिनी सीतापुर है और अभ्यर्थी कम है, तो इसलिए इनकी JTC वाहिनी में ही हो जाएगी। अब बात करते हैं हम, ये यहाँ आप देख सकते हैं जैसे कि ये दे रखा है चतुर्थ प्रयागराज में। मैं आपको बता दूँ कि यहाँ जो है 429 लड़कों का जो है मेडिकल और चरित्र सत्यापन हुआ था, लेकिन इसकी जो है प्रशिक्षण क्षमता थोड़ी कम होने के कारण 229 अभ्यर्थी जो है इस वाहिनी में रहेंगे और बाकी जो है जो 200 अभ्यर्थी हैं वो प्रयागराज के जनपद की जो पुलिस लाइन होगी आपकी, या कहीं भी जो वाहिनी के सेनानायक होंगे वो आपको एडजस्ट करेंगे 200 अभ्यर्थी को, लेकिन 229 अभ्यर्थी जो है आपके वे वाहिनी में ही रहेंगे। इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि ये जो है 9वीं वाहिनी मुरादाबाद में जिन अभ्यर्थियों का मेडिकल हुआ था उनमें 468 लड़के थे, उनमें से 291 तो आपके वाहिनी में ही रहेंगे, लेकिन जो 177 लड़के हैं वो आपके बिजनौर जो पुलिस लाइन होगी उसमें जो है JTC अपनी करेंगे। तो इसी प्रकार से आप देख सकते हैं जिन कैंडिडेट जो मैसेज कर रहे थे कि सर हमारी वाहिनी का नाम नहीं आया है, तो उनसे मेरा निवेदन है कि वे बिल्कुल भी घबराए नहीं। जिन कैंडिडेट की वाहिनी का नाम नहीं आया है उनकी जो है प्रशिक्षण क्षमता उतनी है कि वे जिनके मेडिकल हुए हैं जितने अभ्यर्थियों के वो उनको वहाँ पर JTC करा सकें। तो ये उनकी लिस्ट है जिनकी की कैंडिडेट ज़्यादा हैं और उनकी जो है प्रशिक्षण क्षमता वहाँ पर कम है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं 6ठी वाहिनी मेरठ, इसमें 1106 लड़के, ये जो कि काफ़ी ज़्यादा संख्या में है, इसमें से 673 को कराने की JTC कराने की क्षमता है वाहिनी में, लेकिन 433 को नहीं करा सकती, इसलिए जो है 433 को PTS मेरठ में जो है इनकी JTC होगी 433 की, और 629 जो अभ्यर्थी 673 अभ्यर्थी जो हैं ये वाहिनी में ही रहेंगे। इसी प्रकार से आप नीचे देख सकते हैं वीडियो को पॉज कर अपनी वाहिनी को और कितने अभ्यर्थी कहाँ जाने वाले हैं ये आप बिल्कुल आराम से देख लीजिए, वीडियो को पॉज कर देख लीजिए। और कुछ कैंडिडेट के जो है मैसेज आ रहे थे कि यहाँ पर ये जो 17,962 है ये क्या चीज़ है, तो ये मैं आपको बता दूं कि ये उन अभ्यर्थियों की संख्या है जिन्होंने कि मेडिकल दिया था, ये उनकी संख्या नहीं है जिन्होंने मेडिकल पास किया है, ये सिर्फ उनकी संख्या है जिन्होंने मेडिकल को दिया था, जो कि मेडिकल में उपस्थित हुए थे चाहे वो पास हो या फेल हो। और ये यहाँ पर जो दिया गया है, उससे पहले मैं आपको इसकी एक और बात बता दूँ, कुल 18,000 थे आपके और ये जो है 17,962 कैंडिडेट ने आपका मेडिकल दिया था,
तो इस प्रकार से जो है 38 कैंडिडेट अनुपस्थित रहे थे, जो सभी वाहिनियों में 38 कैंडिडेट अनुपस्थित रहे थे। और ये 10,562 जो हैं आपके अभ्यर्थी, ये आपकी वाहिनी में ट्रेनिंग करेंगे। और इधर जो आप 7,400 देख रहे हैं, ये आपके जो ये डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं आपके, इनमें जो है ट्रेनिंग करेंगे। तो मुझे लगता है कि आप सभी के डाउट इस वीडियो में मैंने क्लियर कर दिए होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आपके लिए काफ़ी मेहनत करके वीडियो बनाते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।